ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट कुल राकेश पंत ने की। इस दौरान उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया और भाजपा को आरोपी और अपराधी छवि बालों की सहयोगी पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि जब वे नथुराम गोडसे के प्रति आदर की भावना रखते हैं तो साध्वी प्रज्ञा को टिकट देना तो उनके लिए बहुत मामूली बात है। सोलन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट कुल राकेश पंत ने की। उन्होंने भाजपा को आड़ा हाथों लिया और भाजपा को आरोपी और अपराधी छवि वालों की सहयोगी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि जब वह नथुराम गोडसे के प्रति आदर की भावना रखते हैं तो साध्वी प्रज्ञा को टिकट देना तो उनके लिए बहुत अमूल्य कार्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जहां एक और नोटबंदी से लोगों को कतारों में लगाकर मरने पर मजबूर किया, वहीं जीएसटी लगाकर व्यापारियों को भी कहीं का नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा कि आज महंगाई शीर्ष पर है और आम आदमी का जीना बद से बदतर हो चला है। राकेश पंत ने कहा कि भाजपा केवल जुमले की पार्टी साबित हुई है, क्योंकि जो वायदे भाजपा सरकार ने भारत के मतदाताओं के साथ किए वे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 सालों में भाजपा ने केवल झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर सभी वरिष्ठ नेताओं में तालमेल बिठाकर चुनावी जंग को जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वह इन चुनावों में 4 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। जो 2014 में मोदी जी ने वादे किए थे उनमें से एक भी कोई वादा नहीं निभाया है और सिवाय झूठ बोलने के इस 5 साल में कोई उन्होंने काम नहीं किया है। और इस दौरान जो राफेल एक सौदा हुआ है जिसके बारे में एक लंबे अरसे से सभी जगह से एक शक जाहिर किया जा रहा है, कल तो इस सरकार ने सारी सीमाएं ही उसकी पार कर दी है। कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस मामले को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष जब से श्री कुलदीप सिंह राठौर बने हैं उन्होंने पार्टी में काफ़ी जान लाई है और वो सारे हिमाचल प्रदेश में सभी सीनियर लीडर्स को विश्वास में लेकर कंपेन चला रहे हैं और हमें आशा ही नहीं, जैसा हमें पब्लिक से रिस्पांस मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हम चारों की चारों सीटें जीतकर श्री राहुल गांधी की झोली में डालेंगे।